गोरखपुर वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं दोस्तों। आपको बता दें द रेल फैक्ट्स के माध्यम में ये कन्फर्म न्यूज है दोस्तों, गोरखपुर आगरा के बीच सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का सौगात जल्द मिलने वाला है। धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों को आपस में जोड़ेगी ये ट्रेनें। आपको बता दें कि वंदे भारत ट्रेन यानी रेलवे बोर्ड ने गोरखपुर से आगरा और बनारस से देवघर के लिए तैयार कर लिया सेमी हाई स्पीड वंदे भारत का प्रस्ताव और वाराणसी होते हुए गोरखपुर से प्रयागराज तक चलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। एक ऑलरेडी चल रही है अयोध्या के रास्ते गोमती नगर से मुंबई और गाजीपुर से सूरत के बीच चलेगी अमृत भारत ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, ये प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है और रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया। आपको बता दें रेलवे बोर्ड के अलावा पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 2 चेयर कार और 3 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का डिमांड रख दिया दोस्तों, और जिसमें गोरखपुर प्रयागराज सहित काठगोदाम से नई दिल्ली के लिए चेयर कार वाली वंदे भारत ट्रेन शामिल है। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर से नई दिल्ली सप्ताह में 3 दिन, गोरखपुर के रास्ते मऊ से काचीगुड़ा और छपरा से आजमगढ़ के रास्ते LTT यानी मुंबई के बीच सप्ताह में 2 दिन, एक एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का भी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज चुका है गोरखपुर। जी हाँ दोस्तों, अमृत भारत एक्सप्रेस का भी प्रस्ताव ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा पूर्वोत्तर रेलवे ने सप्ताह में 2-2 दिन के लिए 2 अमृत भारत एक्सप्रेस का प्रस्ताव तैयार कर लिया है, और जिससे गोमती नगर से मुंबई और गाजीपुर सिटी से सूरत के बीच वंदे भारत शामिल है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे प्रशासन ने प्रस्ताव के साथ वंदे भारत की एक एक रेक की भी मांग कर दी है। आपको बता दें बहुत जल्द गोरखपुर को मिलने जा रहा है नई चमचमाती वंदे भारत ट्रेन और एक स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। ऑलरेडी गोरखपुर ने 3 स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मांगी है। अब देखते हैं कि कितना वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर को मिल पाता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय जय भारत, जय रेलवे।